बीते दिनों से एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई। सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों के साथ बॉयफ्रेंड सचिन से मिलने पाकिस्तान से नोएडा तक आ गई, सीमा पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। एटीएस को शक है कि पाकिस्तान से आई सीमा आईएसआई की एजेंट तो नहीं, और इसी का पता लगाने 17 जुलाई को यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को सचिन से लंबी पूछताछ की। एटीएस की नोएडा यूनिट के अफसरों ने सीमा और उसके प्रेमी सचिन से घंटों सवाल किए। कई पहलू हैं जो सीमा के पाकिस्तानी होने पर शक पैदा करती है। सीमा खुद को पाकिस्तानी बताती है, लेकिन सीमा के बोलचाल में उर्दू कहीं नजर नहीं आता। सीमा हैदर के मुंह से उर्दू के शब्द नहीं निकलते, वो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर वो पति और पत्नी बोलती है, लेकिन पाकिस्तान में शौहर और अहलिया बोला जाता है। सीमा अपने इंटरव्यूज में कहती दिख रही हैं कि वो पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक रखती है, लेकिन जब सीमा को सिंधी बोलने को कहा गया तो वो सिंधी तक नहीं बोल पाई। सीमा खुद के पाकिस्तानी होने का दावा करती है। इस्लाम में कलमा याद होना बहुत अहम चीजों में से एक माना जाता है। कुल 7 कलमे होते हैं। ऐसा होना थोड़ा अजीब है कि सीमा पाकिस्तानी है और उसे पहला कलमा तक याद नहीं। कई वीडियो में सीमा को पूजा करते देखा जा रहा है। वो जिस परफेक्शन के साथ पूजा करती नजर आ रही है, कोई हिंदू धर्म की महिला ही कर सकती है। इतना परफेक्शन एक पाकिस्तानी मुसलमान में दिखना बेहद मुश्किल है।